मूड ऑफ मोहल्ला में अब आपको लिए चलते हैं बदायूं जिले के दातागंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में। यहां के वोटरों का क्या मूड है ये भापा हमारे संवाददाता ने। आप देख रहे हैं मूड ऑफ मोहल्ला, मैं हूं विशाल कुमार। नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज समाचार प्लस पर आप देख सकते हैं, जहां हम हर शहर जाएंगे, वहां के हर वार्ड में पहुंचेंगे, प्रत्याशी क्या करना चाहता है, जनता क्या चाहती है, जानने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं बदायूं की नगर पालिका सीट दातागंज के वार्ड नंबर 13 और 15 में। यहाँ से जो प्रत्याशी है तो हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 15 से दिनेश चंद गुप्ता जी। आइए सबसे पहले उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, और अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या सबसे पहले कार्य करेंगे। सबसे पहले कार्य का विकास में जो मैंने वर्तमान में था, जो मैं मुझे अधिक से अधिक कंधे से कंधे मिला के जो राजीव गुप्ता ने जो विकास कराया उससे कंधे से कंधे मिला के मैंने साथ दिया, और पूरे वार्ड में ही नहीं नगर में विकास हुआ, इतना विकास हुआ और आगे इससे ज्यादा विकास करने की क्षमता रखता हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, इसलिए मेरे वार्ड में कोई भी बाकी नहीं रहा, थोड़ा रह गया एक दो वोट, वो मैं अभी आगे चल के मुझे समर्थन मिलेगा, अपार समर्थन जो जनता दे रही है मेरे लिए निर्दलीय होने के नाते। मुझे मैं जन जन का प्रत्याशी हूँ, मैं घर घर का प्रत्याशी हूँ, मुझे स्नेह है, मैं इतना करना चाहता हूँ, मैं इस वार्ड में जीतने के बाद मैं घर घर का प्रत्याशी होने के नाते मैं वार्ड में एक एक मोहल्ले में बिजली पानी सड़क और मेरे वार्ड में कोई भी ऐसी चीज समस्या होगी, जन समस्या के लेके और विकास के जितने भी अधूरे कार्य है वो पूरा करने की मैं माता रखता हूँ और क्षमता रखता हूँ। ये सब गुप्ता जी आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं, मेरा वार्ड है। अगर जनता आपको मौका अगर मुझे जनता फिर से मौका दोबारा देती है तो जो कुछ सड़कें बाकी रह गई हैं मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें पहले जल्दी डलवाने का कोशिश करूंगा, और फिर हमारा मेन उद्देश्य है सफाई से, सफाई पे मैन हमारा उद्देश्य है, सफाई है और लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उद्देश्य मैं चीज़ वही है जो चलते होता हुआ चला आया। और एक चीज़ है कि जो लाभार्थी हैं पेंशन वाले जो कुछ रह गए हैं उनको सबसे मैं पूछ करूँगा कि वो लाभार्थी जिनकी पेंशन बननी है उनकी पेंशन बन जाए, और एक नगर में ऐसा मैं काम करूँगा जो अब तक नहीं हुआ है। सबसे पहले जीतने के उपलक्ष्य में मैं अपने वार्ड में पूरे वार्ड में CCTV कैमरे से लैस कराने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ आइए सबसे पहले उनसे जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं। इस समय सभासद इस जो पूर्व हमारे जो सभासद रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ तक गंदगी को लेकर सवाल है तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे वार्ड नंबर 13 में गंदगी ना फैली हुई चीज़ क्या समस्या है जो आप बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सर जनता की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या होती है, सफाई की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, और जो पेंशन व्यवस्था होती है लोगों के लिए वो सारी व्यवस्थाएँ, मतलब हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से हमें अगर जनता चुनती है। मैं वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 15 के लिए, तो उन समस्याओं को मैं अच्छी तरह से उठाऊंगा और जनता की प्रत्येक समस्या दूर करने के लिए अपनी कोशिश करूंगा। कि हमारे पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी BJP के थे, उन्होंने वार्ड में अच्छा काम कराया और बढ़िया काम कराया। के साथ वार्ड की जनता भी मौजूदा आई, उससे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार उनकी समस्या क्या है, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सर समस्याएं एक अतिक्रमण की बहुत है, हमारे वार्ड में जो सड़कें हैं वो छोटी होती जा रही है, नालियों पर अतिक्रमण करा है लोगों ने, उसको कैसे ये लोग हटवाएंगे? और जो सड़कें पड़ी हैं वो सड़क के ऊपर सड़क पड़ी है, बिल्डिंगें लोगों की दब गई, लोगों ने अपनी बिल्डिंगें ऊंची करवाई, लोगों का काफी नुकसान हुआ, मकान नीचे आ गया, तो इस चीज को उखड़ के दोबारा से पढ़ना चाहिए, नाली लेवल में होना चाहिए, सड़कें बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सब चीज हो जाए हमारे यहाँ। तो यहाँ लोगों की समस्याएं हैं कि सड़क के ऊपर सड़क डाल दी जाती है, मकान नीचे धसते जा रहे हैं, और भी लोगों से पूछते हैं क्या बदलाव चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, प्रत्याशी से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे वार्ड में समस्या है बस यही है, भैया ने भी बताया था, सड़क के ऊपर सड़क डाल देते हैं, मतलब नीचे वाली सड़क को उखाड़ने की नहीं सोचते हैं, उनका समय बच जाता है, सड़क के ऊपर सड़क डाल दी, मकान दिन पे दिन नीचे चलते चले जा रहे हैं, नाली का पानी मकान के अंदर घुस रहा है। अब तो एक दातागंज में हम और भी बदलाव चाह रहे हैं, दातागंज में अभी तक कोई भी टहलने जा रहा है उसके लिए बैठने को कोई पार्क नहीं है। हम चाहते हैं सभी सभासद मिलके एक अपना ये प्रस्ताव रखें कि अब दातागंज में बैठने के लिए पब्लिक के लिए पार्क होना चाहिए, शाम को इंसान टहलने जा रहा है उसको बैठने को जगह होनी चाहिए, और यहाँ सर स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम के लिए हमारे विधायक जी ने कहा है, कोई भी अगर सरकारी जमीन आपको दिखाई दे रही है कहीं भी आप हमें बताओ उस पर
पे हम काम करेंगे और स्टेडियम दातागंज में लेके हर कीमत पे आएंगे। कुछ माननीय दिनेश चंद गुप्ता और बब्बू भैया अच्छा कार्य किया है इन्होंने वार्ड नंबर 15 से, ये 5 साल तक इन्होंने गरीबों का बहुत सम्मान किया। ये हम इनकी उम्र के नहीं है, ये हमारे हमसे कहते थे कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई वार्ड में कोई परेशानी हो आप हमें बताइए हम आपकी दिक्कत को दूर करेंगे। इन्होंने गरीबों को काफी डोनेरिया है माननीय राजीव कुमार गुप्ता जी के साथ रह के कंबल इत्यादि पेंसिल भी बनवाई है काफी लोगों की, ऐसा नहीं है काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमें तो कोई माननीय दिनेश गुप्ता और बब्लू भैया से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लोगों का कहना है कि लोग बदलाव चाहते हैं, उसे वोट करना चाहते हैं जो अपने वायदे पर खरा उतर सके। फिलहाल किसी और नगर पालिका क्षेत्र में जाएंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं विशाल कुमार, समाचार प्लस बताएंगे।